अलैकुम, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह सबको अपने ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन से मानिए। यही दुआ मेरे लिए, बच्चों के लिए, आमीन के लिए, मेरी प्यारी प्यारी फैमिली के लिए किया करें कि अल्लाह सबको अपने ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। वीडियो शुरू करने से पहले जो काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरम अपी चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इरम अपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं इरम अपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो जी, अभी मेरी एक बहन ने मुझे मैसेज किया था कि आप ही जब आप बाल स्ट्रेट करें तो उसकी एक छोटी सी वीडियो बनाना, तो बस मैं अभी वही करने लगी हूँ। तो मैंने सोचा उसके लिए थोड़ी सी बना दूँ और आपसे करनी है मुझे दो दो चार चार बातें, तो दो दो चार चार बातें भी साथ में करती हूँ उस्मा और शाहिद को लेके। उस्मा और शाहिद को लेके मुझे आपसे करनी है बातें, तो वो आपसे करूँगी। और उसके बाद जो है ये मेरी उस बहन के लिए मेरे बाल, क्योंकि मैं अक्सर स्ट्रेट नहीं करती, पहले कर लेती थी, अब ज़रा ना मैं जो है ट्राई करती हूँ कि ज़्यादा कर्ली कर्ली कर लूँ, इसलिए या ब्लो ड्राई कर लूँ। तो ये सिर्फ उस बहन के लिए जिसने बोला था आप ना मुझे दिखाना, तो ये मैं उसके लिए है। हमेशा अपने बालों को पार्ट्स में कर ले, मैं दो पार्ट्स में कर लेती हूँ। अगर आप दो, अगर आपके हैवी, बहुत हैवी बाल हैं तो फिर आप उनको तीन पार्ट्स में भी कर सकती हैं। तो मुझे कहीं जाने के लिए निकलना है तो मैं फटाफट से बस इस तरह हल्के हल्के कर लूँगी ताकि थोड़े स्ट्रेट हो जाए। तो बाकी रही बात उस्मा शाहिद की, मैं आपको आज फिर हाथ जोड़ के उस्मा शाहिद के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ उनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए उनको उनके सब्सक्राइबर बने ताकि उनका वॉच टाइम पूरा हो सके, ताकि उनके बच्चों का रोज़ी रिजक बंद ना हो। तो ये आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के एक बार फिर अपील है कि उस्मा शाहिद के लिए प्लीज़ 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 उनकी वीडियोज़ मेरी कम्यूनिटी पर लगी हुई होती हैं, मेरी कम्युनिटी वॉल्स पे लगी होती हैं, प्लीज़ उनके चैनल को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, उसके पहले सब्सक्राइबर उस्मा के नीली 12 के थे तो प्लीज़ जो भी उस्मा का सब्सक्राइबर था सब आप वापस जाओ और उस्मा को देखो और उस्मा की हिम्मत बनो ताकि उनकी हिम्मत ना टूटे। और शाहिद भाई का भी मेरे ख्याल से 8-9 के करीब था, तो उनके लिए भी जो भी उनके थे सब आप लोग वापस जाएँ और शाहिद भाई को और उस्मा की हिम्मत बने, ताकि जो लोग जैलस हो रहे हैं ना, जो धमकियां लगा रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब मिल सके, उन लोगों की बोलतियां जो हैं वो बंद हो सके, ताकि उनको पता चले कि अवाम जिसका मर्जी साथ दे, ये देखने वाले जिसका मर्जी साथ दे। तो ये आप लोगों ने बस दिखाना है और अब ये आप लोगों के हाथ में है कि आपने किस तरह आपने दिखाना। तो बस अब आप लोगों का साथ चाहिए उन दोनों को, आप लोगों ने उनका साथ देना है, उनका साथ देना है बस जो हकदार है, ठीक है ना। और मेरे साथ बने रहें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का साथ दे सकूं। तो प्लीज़ 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 आप लोगों की से एक बार फिर मैं उस्मा शाहिद के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ, बल्कि उनकी मम के लिए भी करती हूँ, आशा फैमिली व्लॉग उनका भी उसी नाम से है चैनल, तो उनकी भी प्लीज़ हेल्प करें, उन्होंने भी आशा की शादी करनी है। तो जितना आप लोग उनका साथ दोगे उतना ही हम बुराई का सर कुचल सकेंगे, क्योंकि हमें कुचलना है बुराई का सर। बुराई का सर कुचलने के लिए हमें है आपकी ज़रूरत और होपफुली आप हमारा साथ भरपूर तरीके से दोगे, और जिसकी मुझे उम्मीद है कि आप दोगे। तो मैंने कल रात को सोचा था कि मैं आप लोगों से फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई जो भी उस्मा के पहले सब्सक्राइबर थे, जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, उन लोगों से हाथ जोड़ के मैं एक बार फिर अपील कर लूंगी कि प्लीज़ 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 आप लोग उस्मा शाहिद के वापस से सब्सक्राइबर्स बने, प्लीज़ उनकी हिम्मत बने, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। यही मैं आपसे बार बार कहूंगी कि जितना हो सके उन दोनों को वॉच करें, साथ में आयशा फैमिली व्लॉग को भी, ताकि वो भी, उन्होंने भी आयशा की शादी करनी है, उनका भी घर का एक सर्कल चल रहा था, घर का वो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, उनके साथ वो हुआ,
इन सबके साथ वो हुआ है घर का भेदी लंका ढाए। तो बस अब आपने साथ देना इनका, क्योंकि आपसे मुझे बहुत उम्मीदें हैं, मेरी अपनी प्यारी फैमिली से मुझे बहुत बहुत उम्मीदें हैं कि आप इनका साथ ज़रूर दोगे। आपने पहले भी दिया और आप अब भी दोगे, और उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब हमने देना है जो उनको धमकियां लगा रहे हैं कि हम आपको बर्बाद कर देंगे, आपका घर नहीं बन सकेगा, आपको ये हो जाएगा, आपको वो हो जाएगा। तो उन लोगों को हमने देना है मुंह तोड़ जवाब, ठीक है ना। वो हम तभी दे सकते हैं जब आप लोगों की मदद साथ होगी, जब आप लोग हमारा साथ दोगे। तो ये है जी मेरा तरीका उस बहन के लिए बाल स्ट्रेट करने का, मैं इस तरीके से करती हूँ। हर किसी का अपना होता है, कोई ब्रश लेके साथ साथ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन मेरा ये तरीका। अब आप लोग देख लें कि आपको मेरा ये तरीका पसंद है या आपने दूसरा करना है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। जितने बाल लंबे होंगे उतना आपको ज़्यादा इनको पाक में करना पड़ेगा, जैसे ईमान है ना रबाब करती हैं वो ज़रा ज़्यादा कर लेती हैं, लेकिन मेरे बाल इतने लंबे नहीं हैं तो इसलिए मैं इस तरह करती हूँ। तो ये हो गए जी मेरे बाल स्ट्रेट, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल हो गए हैं मेरे बाल स्ट्रेट। अब मैं इसको करती हूँ बंद, और आप लोगों से फिर वही बात करूँगी कि उज़्मा शाहिद का साथ दें, जितना हो सके उज़्मा शाहिद का साथ दें। तो ये हो गई जी मेरी फाइनल लुक। तो मैं हो गई हूँ रेडी जाने के लिए, और आप लोगों से मैंने जो रिक्वेस्ट की थी, होप आप लोग उसको पूरा करेंगे। आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनका साथ देंगे, उनका साथ दीजिएगा। तो लेती हूँ आपसे यहीं पे इजाज़त। अपनी इरम आपी को अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप हर वक्त मेरे साथ होते हो, क्योंकि आप मेरी प्यारी प्यारी फैमिली हो। और बस फिर आपसे वही बात मैं दोबारा से करूँगी कि जितना हो सके उनका साथ दें, क्योंकि उनके लिए मुझे ये रिक्वेस्ट आपसे करनी थी। तो वो मैं इंशाल्लाह करती रहूँगी आपसे, कि जब मुझे फील होगा कि मेरी प्यारी प्यारी YouTube फैमिली जो है उनसे मैं रिक्वेस्ट हर दफ़ा करती रहूँगी। तो चलें जी अपनी इरम आपी को दें इजाज़त, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप वक्त मेरे साथ होते हैं, क्योंकि आप मेरी प्यारी प्यारी फैमिली हो। लव यू माई ओन फैमिली। और आपसे एक और बात जो बहुत 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 ज़रूरी है, आई थिंक योर डैडी टेकिंग दिस विद हिम ना, ओके यू कैन टेक इट देन, यू कैन हैव इट देन, दैट्स फाइन। तो अच्छा जी लेती हूँ आपसे ज़्यादा, सच्ची में अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अभी मॉर्निंग का टाइम है, बच्चों ने ब्रेकफास्ट शुरू कर दिया, मैं भी बस अब चाय पीऊँगी, थोड़ा सा सीरियल खाऊँगी, और फिर हम लोगों ने निकल जाना है। तो लेती हूँ आपसे ज़्यादा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप हर वक्त मेरे साथ होते हो, क्योंकि आप मेरी प्यारी प्यारी सी फैमिली हो। लव यू माई फैमिली। अल्लाह हाफिज़ हो।